दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुश आमदीद करता हूँ। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हम क्या एक पॉट में एक से ज़्यादा रोज़ का प्लांट लगा सकते हैं। तो मैंने आजकल नर्सरी में भी देखा है, तो उन्होंने इस दफ़ा क्या किया था, उन्होंने ना एक 14 से 16 इंची के पॉट्स लिए, उनमें ना पाँच पाँच प्लांट इकट्ठे लगा दिए। तो क्या हमें ऐसे प्लांट लेने चाहिए और क्या हमें क्या एक ही पॉट में रोज़ को ग्रो करना चाहिए? वो इस वजह से करते हैं कि उन्हें सेल करने होते हैं, जल्दी सेल करने होते हैं। जब एक ही पॉट में इतने सारे प्लांट लगे हों तो ऊपर फूलों का गुच्छा होता है, क्योंकि वो ताज़े ताज़े ना ज़मीन से निकलाए जाते हैं, तो उनकी ना कोई वो होती है, ना उनके पत्ते गिरे होते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं, ऐसे गुलदस्ते की तरह लग रहे होते हैं। तो क्या ऐसा करना सही है? क्या हम एक से ज़्यादा एक पॉट में ना एक रोज़ लगाना चाहिए? तो ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपने कभी भी ऐसे प्लांट ना ले के आओ और ना ही लो, ना खुद करो। क्यों? क्योंकि ना रोज़ को ना शेयरिंग नहीं पसंद, इसको बिल्कुल भी शेयरिंग नहीं पसंद, किसी और प्लांट के साथ भी नहीं पसंद और ना ही खुद के साथ। तो अगर आप ना एक पॉट में ना एक से ज़्यादा प्लांट लगा देंगे ना, तो क्या होगा कि वो सारे के सारे प्लांट सोफिकेट होंगे। रोज़ जो होता है ना, ये काफ़ी हैवी फीडर्स होते हैं, इनको खुराक की ज़रूरत होती है। तो अगर एक पॉट में एक से ज़्यादा प्लांट लगे हुए ना, तो एक दूसरे की खुराक सक करते रहेंगे और वो बड़े भी नहीं होंगे, ना ही उन पर कोई फ्लावरिंग आएगी। तो आप ये जो मेरे रोज़ेस देख रहे हैं, ये सब एक पॉट में एक ही प्लांट लगा हुआ है। एक प्लांट जो है वो मैंने एक से ज़्यादा लगाए हैं कुछ में, तो उसको भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि उसका क्या हशर हुआ पड़ा। ना वो बड़े हुए हैं और ना ही वो ग्रोथ कर रहे हैं। ये देखिए, एक रोज़ तो ये है कि इसमें एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है, दोनों की ग्रोथ आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल ना होने के बराबर है। और यहाँ पर भी ये है, ये देखिए, ये एक ये पौधा लगा हुआ है और एक ये पौधा लगा हुआ है, दो पौधे एक पॉट में लगे हुए हैं और दोनों की देखिए मैंने उनकी याद की कमी हो रही है। नए पत्ते अभी शायद निकल रहे हैं, लेकिन देखिए देखिए इसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है और इसमें भी वही है कि इसके साथ जो पड़े हैं, जो एक पॉट में एक लगा हुआ है, इसकी देखिए हालत कितनी अच्छी है। ये भी वही है, रोज़ेज़ ही हैं, ये नहीं कि रोज़ेज़ नहीं हैं। तो इनके पत्ते देखिए, ये देखिए कोई नमकियात की कमी नहीं है, लेकिन इन दोनों को देखें कैसे मरने वाले, ये तो मरने वाला हुआ पड़ा था। तो आपने कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी कि एक नया पॉट में ना एक से ज़्यादा रोज़ेस लगा दें, बेशक वो कितना ही बड़ा पॉट क्यों ना हो, आपने एक पॉट में सिर्फ एक रोज़ लगाना है। तो यही थी एक वीडियो का टॉपिक आपको बताना था। तो चलें, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, दुआ में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।